ओ देखो ये गिर गई। जी आप मेरे पीछे ये देख सकते हैं, ये जो है वो मालदीव्स बीच है, बीच का नाम जो है वो मालदीव्स है। ये ना समझना कि मालदीव जो है वो कंट्री के अंदर हम आ चुके हैं। अच्छा, इस वक्त हम मौजूद हैं तुनिसिया के अंदर और ये आप लोग अगर पीछे देख सके तो ये मालदीव्स बीच है और ये जो है वो इसकी मेन एंट्रेंस है। यहाँ से आप देखें कि रेत ही रेत है सारी, लेकिन इसके सामने जब हम देखते हैं रेत के सामने तो हमें एक बहुत बड़ा और खूबसूरत समंदर जो है वो सामने नज़र आता है और ये बीच जो है वो ये नहायत ही खूबसूरत है। और अगर आप लोगों को ये सामने दिखाऊं, ये देखें पानी किस तरह से जो है आ रहा है, गुजर रहा है और नहायत ही खूबसूरत। और इस वक्त जो है वो मज़ा आ रहा है और मज़े की जगह है, खूबसूरत जगह है। यहाँ पर जो है वो लोग जो है वो इससे लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं। अगर मैं आप लोगों को सामने ये दिखाऊँ तो इन्जॉय कर रही है आवाम और पानी जो है वो इस कदर ठंडा है यहाँ के ऊपर। वैसे तो जो है वो यहाँ का मौसम जो है वो थोड़ा सा गर्म है, लेकिन इस समंदर के ऊपर आकर ऐसा फील होता है कि जैसे हम किसी जो है वो बर्फ में आ चुके हैं। चल झूठा। तो इतने मज़े का मौसम, इतने मज़े का वेदर और इतने मज़े का खूबसूरत ये जो बीच है, साफ़ सुथरा। आप लोगों को मैं ये दिखाऊँ, इसकी अगर आप नीचे ये रेत देखें कितनी साफ़ सुथरी, और पानी देखें कितना जो है वो वाइट और नीला नीला जो है वो खूबसूरत सा जो है वो पानी है इसका। ये देखिए जी, फिर से पानी जो है वो हमारे पास आ चुका है इस वक्त सामने। इस वक्त नहायत मज़ा आ रहा है यहाँ के ऊपर। तो आप लोगों को जो है वो मैं ये सारा जो है वो बीच घूम फिर के दिखाऊंगा सामने। आप लोगों को ये दिखाऊं तो देखें आप, इसमें जो है वो बोट्स वगैरह जो है वो इस वक्त समंदर में चल रही हैं। ओ देखो ये गिर गई। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। ये जो येलो आपको बैलून नज़र आ रहे हैं, ये हदूद है। यहाँ पर हदबंदी की गई है कि इससे आगे जो है वो आम इंसान जो है वो उनको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इससे आगे अगर आप जाएंगे तो आपके डूबने का जो है वो यहाँ पर खदशा है। अगर मैं आप लोगों को दिखा सकूँ तो जहाँ तक नज़र जा रही है इस साइड के ऊपर भी जो है वो बहुत से लोग बैठे हुए हैं, और अगर हम इस तरफ जो है वो देखते हैं तो यहाँ के ऊपर भी जो है वो बहुत से लोग जो है वो लेटे हुए हैं, अपना जो है वो इस बीच की वाइब को जो है वो इन्जॉय कर रहे हैं। इस तरफ तो सारा का सारा आप लोगों को जो है वो समंदर नज़र आता है। और मज़े की बात ये है कि पानी नहायत ही खूबसूरत है, मुझे भी जो है वो पानी ने अपनी लपेट में ले लिया है और रेत बिल्कुल साफ है, बीच बड़ा खूबसूरत है, बड़े खूबसूरत नज़ारे यहाँ पर आ रहे हैं। तो जो भी लोग यहाँ पर आए एक मरतबा जो है वो विज़िट तो लाजमी बनता है इस बीच के ऊपर। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैं जब तुनिसिया आ रहा था तो मैं एक्सपेक्ट नहीं था कर रहा कि इतनी ज़्यादा जो है वो खूबसूरत हमें बीच देखने को मिलेंगी, इतनी ज़्यादा खूबसूरत जो जगह हैं हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। लेकिन इस वक्त बाकी जब हम इस बीच के ऊपर आए हैं, यहाँ पर हम जो घूम रहे हैं मुख्तलिफ सिटी के अंदर, तो हैरान कन चीज़ है कि खूबसूरत जगह, खूबसूरत बीच, खूबसूरत लोग यहाँ पर मौजूद हैं। पानी की जो लहरें हैं इस कदर आ रही हैं, ये आप देख सकते हैं कैसे। और इसके साथ साथ ये जो हमें नज़र आती हैं सी हट्स जो यहाँ पर बने हुए हैं, ये अपनी खूबसूरती में और इस बीच की खूबसूरती में कुछ और जो है वो इजाफा कर देते हैं। और यहाँ मैं खड़ा हूँ, अभी आप देखना पानी ऊपर से गुजरेगा और पांव जो है वो नीचे धस जाते हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। अभी ये सामने से फिर आ रहा है पानी, ये देखें दोबारा से। ये भाई साहब यहाँ पर जो है वो कावा शावा बेच रहे हैं और अभी इनसे जो है वो हम कावा लेंगे। ये देखिए कैसे बना रहे हैं, इसके अंदर जो है ये फिल डाल रहा है और इसके अंदर ये कावा डाल रहा है। इसको मोस्टली कहते हैं तो रिजियन टी, लेकिन हम तो इसको जो है वो मोस्टली कावा ही कहते हैं।
और ये कावा इस वक्त हमारे हाथ में आ चुका है और इसकी प्राइस जो है वो यहाँ का ट्यूनिशियन 5 दिनार है। अभी हमने इस वक्त जो है वो इस समंदर के अंदर जो है वो थोड़ा सा स्विम किया और आप हमारी जो है वो हालत इस वक्त देख सकते हैं, बैठे हुए पड़े हैं। और उसके साथ साथ हमें ये मिल चुका है हमें ट्यूनिशियन टी और अभी जो है वो हम इसको इंजॉय करेंगे और उसके साथ आप लोग ये यहाँ का व्यू देखें, एक खूबसूरत व्यू और उसके साथ ये ट्यूनिशियन टी, वल्ला कमाल है। यहाँ बीच के साथ साथ छोटे छोटे बच्चे और बड़े बड़े जो लोग भी हैं वो भी कुछ ना कुछ जो है वो इस तरह के छोटे मोटे आइटम जो है वो बेच रहे हैं। ये यहाँ पर छोटा बच्चा कुछ बेच रहा है और ये जो लड़का है यहाँ पर ये चाय बेच रहा है और कुछ लोगों को मैंने देखा यहाँ पर सन ग्लासेस बेच रहे हैं और सम पीपल जो है यहाँ पर वो कुछ कपड़े वगैरह जो है वो बेच रहे हैं। यहाँ पर लोगों की जो दुकानदारी है वो भी इस बीच के साथ साथ जो है वो चल रही है। मैं अगर आप लोगों को दिखाता चलूँ यहाँ पर तो हर होटल के जो है वो अपने अपने हट्स बने हुए हैं। सामने अगर आप लोगों को दिखाऊं तो ये कोई और होटल है जिसका ये हट है और हम यहाँ पर जो है वो रुके हुए थे, ये हमारे होटल का हट है। और सामने आगे जहाँ तक नज़र जाती है हर होटल का जो है वो अलग अलग से जो है वो हट्स यहाँ पर बने हुए हैं। इस तरह की खूबसूरत लहरें यहाँ पर काबिले दीद है, जब वहाँ दूर से पानी आता है लहरें बनते बनते जो है वो यहाँ पर पहुँच आता है तो नहायत ही खूबसूरत नज़ारा हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। और ये आप सामने देख सकते हैं फ्लैग के साथ और हर तरफ जहाँ तक नज़र जाती है लोग ही लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए। हम जो है वो अभी इस बीच को बाय बाय बोलने वाले हैं और यहाँ से अभी जो है वो हम निकलेंगे बाहर, कुछ जो है वो खाने पीने के लिए जाएंगे। लेकिन उससे पहले बताऊँ हमने यहाँ पर स्विम भी किया, उससे जो है वो हमारे कपड़ों में बहुत ज़्यादा जो है वो मट्टी शट्टी चली गई है, अभी थोड़े से गंदे मंदे हुए पड़े। कुछ पूछा मैंने कुछ। मालदीव बीच को जो है वो खैर आबाद कह चुके हैं और यहाँ से जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया था पहले यहाँ से हम इंट्रेस्ट हमारी हुई थी और अब यहाँ से हम जो है वो वापस आए हैं। तो अभी हम रोड के ऊपर हैं और यहाँ से हमने जो है वो ज़ेब्रा क्रॉस से रोड जो है वो अभी क्रॉस कर ली है। तो अभी हम इस वक्त जो है वो जा रहे हैं कोई रेस्टोरेंट देखते हैं जहाँ से कुछ खाना शाना जो है वो खाएं, क्योंकि भूख इस वक्त जो है वो एक अच्छी खासी किस्म की जो है वो लग चुकी है। अभी हम जो है वो एक रेस्टोरेंट के ऊपर इस वक्त जो है वो आ चुके हैं तो हमारे हाथ में यहाँ का जो है वो इनका मेन्यू मौजूद है और आप जो है वो खाने के नाम भी देख सकते हैं यहाँ पर, उसकी जो कीमत का तयन है वो भी कर सकते हैं। और ये भाई साहब हैं और ये भाई साहब जो यहाँ पर वेटर हैं और इन्होंने हमें ये यहाँ का मेन्यू थमा दिया है और यहाँ से पीछे से जो है वो आप होटल का नाम भी जो है वो पढ़ सकते हैं। इस रेस्टोरेंट के ऊपर जो है वो खड़े होकर, बल्कि यहाँ पर जो है वो टेबल है सामने, यहाँ पर जो है वो हमें बैठकर पीछे से जो है वो एक खूबसूरत जो है वो नज़ारा मिलता है सामने सी का। तो आप लोग जो है वो अगर मैं आप लोगों को ये सामने से यहाँ से दिखा सकूँ करीब करके तो आप लोग देख सकते हैं ये इस बीच के बिल्कुल साथ में है ये वाला रेस्टोरेंट। और यहाँ पर मैं आप लोगों को सामने दिखाऊं तो यहाँ पर जो है वो कुछ मेरे ख्याल से रोटियाँ जो है वो फ्रेश फ्रेश बन रही हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्रेश रोटियाँ जो है वो रेस्टोरेंट के ऊपर बन रही हैं और सामने ये खूबसूरत व्यू और यहाँ पर फ्रेश फूड। समंदर से जो हम जो है वो स्विम करके आए हैं तो उसके बाद हमारे जो सर है इसके अंदर जो है वो ठीक ठाक अभी मट्टी जो है वो फंस चुकी है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, जो कि अभी हमें जो है वो थोड़ा थोड़ा आस्ता आस्ता जो है वो तंग कर रही है। हमारे पास यहाँ पर खाना आना जो है वो शुरू हो चुका है, ये इनकी जो है वो एक ट्रेडिशनल ब्रेड है और ये हमारे पास यहाँ पर ओलिव ऑयल भी आ चुका है और यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाऊँ तो यहाँ पर जो है वो फ्रेश ओलिव है हमारे पास और हरी सैंड चटनी है। यहाँ पर जी हमारा खाना जो है वो आना शुरू हो चुका है, ये चेक करें जी पूरी की पूरी जो फिश है उठा कर ले आए हैं यहाँ पर, ये देखें थोड़े से राइस है हमारे पास, यहाँ पर चिप्स हैं और ये रही फिश। अभी हम मिलते हैं आपसे जो है ये खाना खाने के बाद। और ये जी हमारे पास यहाँ पर पास्ता भी मौजूद है, ये जी फिश आप देख लें हमने यहाँ से ये ली उतार, यहाँ से उसकी हालत आप देख रहे हैं। और अभी ये जा रही है हमारे इस पेट के अंदर, फिश खाने के बाद आपके पेट से और आपके दिल से ये आवाज आएगी कि वल्ला कमाल है, चल झूठा। दिन को जैसे आप लोगों ने देखा कि हम बीच के ऊपर गए हुए थे, उसके बाद जो है वो हम आए और वापस रेस्टोरेंट के ऊपर जो है वो अपना फूड इंजॉय किया, उसके बाद कोई खास एक्टिविटी है रही थी, हम जो है वो होटल पे वापस आ गए और उसके बाद से लेके अब तक जो है वो कहीं गए नहीं है, कोई खास एक्टिविटी जो है वो की नहीं है। तो यहाँ पर फिर जो है वो व्लॉग को ख़त्म करना तो बनता है, तो आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग के। चैनल को सब्सक्राइब मस्ट, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।